19 अगस्त की रात बागपत के हिलवाड़ी गांव में एक युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पूरे मामले की जांच कर रही थी। वहीं जब पुलिस को घटना की सूचना दी गई थी तब पीड़ित ने यह बताया कि खेत में कुछ बदमाशों ने मेरी बहन की हत्या कर दी और मेरे भाई को भी गोली मार दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल के लिए दौड़ी। घटनास्थल पर एक महिला रेखा मृत पड़ी हुई थी, वहीं गुड्डू घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। गुड्डू को इलाज के लिए पुलिस ने CHC में भर्ती कराया। गुड्डू ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने उसकी बहन की हत्या कर दी है। प्रिंती सनसनीखेज घटना की सूचना मिली थी थाना बड़ौद क्षेत्र के गांव हिलवाड़ी से, जहां यह सूचना दी गई थी कि अपराधियों ने एक व्यक्ति को पैर में गोली मारी और एक महिला को, जो कि दोनों भाई बहन थे, उनको सर में गोली मार के हत्या कर दी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जब वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ हुई, जो मृतका के परिवार की एक महिला थी वहां पे अंजू, जिसने सूचना दी थी, जब उससे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया, 6 लोगों के बारे में बताया कि ये लोग आए थे और इन्होंने मेरी बहन जिसका नाम रेखा था उसकी हत्या कर दी और साथ ही साथ उसके भाई गुड्डू को पैर में गोली मारी। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और जब इसकी विवेचना की गई तो ये पूरी घटना स्वयं के द्वारा बनाई गई निकल के आई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो सारी कहानी साफ होने लगी। पीड़ित गुड्डू की दूसरी बहन अंजू से पुलिस ने पूछताछ की तो सारी कहानी ही साफ हो गई। विरोधी पक्ष को फंसाने के लिए गुड्डू, अंजू और पप्पू ने ये सारा ताना बाना बुना। भाई पप्पू ने ही रेखा पर गोली चलाई और फिर घटना को सच साबित करने के लिए गुड्डू के पैर में भी गोली मारी। गुड्डू और उसका बहनोई पप्पू ने ही इस घटना को अंजाम दिया था अपनी बहन अंजू के साथ मिलके, जिसमें गुड्डू ने अपनी बहन रेखा को और पप्पू ने रेखा को गोली मारी तथा बाद में गुड्डू ने पप्पू से कहा कि उसके पैर में गोली मारे, तो पप्पू ने गुड्डू के पैर में गोली मारी। तो इस तरह इन तीनों ने, पप्पू, गुड्डू और अंजू, इन लोगों ने विपक्षी पक्ष को फंसाने के उद्देश्य से, मर्डर के केस में फंसाने के उद्देश्य से इतनी घृणित घटना को कारित की गई। बड़ौद पुलिस ने त्वरित इसमें कार्रवाई करते हुए पूरी घटना का सफल अनावरण किया। इसमें गुड्डू जिसने खुद अपने पैर में गोली मरवाई थी पप्पू से कह के, वो अभी हॉस्पिटल में है और बाकी पप्पू और अंजू, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त दोनों असलहे बरामद किए गए इनकी निशानदेही पे और कारतूस भी बरामद किए गए। पहले मुकदमे में कौन-कौन नामजद हैं? पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पप्पू और अंजू को जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी गुड्डू का भी इलाज चल रहा है। प्रतिशोध की आग में भाई और बहन सगी बहन के कातिल बन गए और विरोधी पक्ष को फंसाने के लिए अपनी ही सगी बहन के सर में गोली मार दी। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।